तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटर ब्लॉग ऑन TVS हेवी ड्यूटी। हाँ, वो वाला बाइक मेरा है, ब्लू वाला। अब पहचाने कैसे मेरे को? अच्छा, उसे पहचान लिया। टायर बाहर निकाल देंगे पूरा रिम के साथ, और उसके बाद इसको धोएंगे अच्छे से। जाएगा काम पे और वो जाएगा भी खेत में काम करने। ये है पूरा जो चीज़ मेरे को आज ब्रेक सेट करने में लगेगा। तो यह एक विम बार है जिसे मैं डिस्प्ले को रगड़ूंगा ताकि उसमें कोई भी ऑयल होगा तो वो ऑयल बाहर निकल जाएगा। और ये ब्रश है और ये ब्रेक वायर है, प्लस ये देख सकते हैं ये दो कैलिपर है। तो ये दो कैलिपर मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, ये मेरे को 700 रुपये का पड़ा है दो पीस। और मैंने जो अपने साइकिल में लगवाया है रेयर में, वो एक पीस का 600 रुपये पड़ा है, क्योंकि वो मैंने ऑफलाइन लगवाया था। ये ऑनलाइन पर ये बहुत अच्छा डील था, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं ये चीज़। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे नसत की साइकिल लगी हुई है, और पीछे साइड मेरा साइकिल है, इस साइड मेरी साइकिल है, और ये सस्ता नसा लग रहा करके आया हुआ है, बार बार साइकिल गिरा रहा है। तो इसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ खोलने का। और ये वायर जो है वायर चेंज करें, क्योंकि ये वायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। और पीछे का ब्रेक का हाल दिखाता हूँ मैं। ये साइकिल ऐसे ख़राब कंडीशन में रखता है कि क्या बताएं। ये एक महीने से बिना ब्रेक का चला रहा साइकिल, और देख सकते पीछे का भी तोड़ के रखा हुआ है ये। और इसका भी डिस्प्ले बहुत दिन से यूज़ में नहीं आया है, तो बहुत भी रगड़ कर भी साफ़ करेंगे हम लोग। और ये चीज़ देख सकते हैं, और मेरे साइकिल का देख सकते हैं, यही चीज़ मैंने ऑफलाइन लगवाया था, तो मेरे को 600 रुपये का पड़ा है ये। तो मेरा कुछ ज़्यादा हैवी मशीन है, लेकिन उसका जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया, मैंने देख के मंगवाया अच्छे से, ताकि वो अच्छा रहे, अच्छे से काम करे। तो फ्रेंड नसत के साइकिल में क्विक रिलीज दिया गया है, तो टायर बाहर निकाल देंगे पूरा रिम के साथ, और उसके बाद इसको धोएंगे अच्छे से। तो इस पर रगड़ते हैं पूरा बढ़िया से, इसमें जितना भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा इससे। तो फाइनली फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत टाइम लगा इसको करने में, बहुत मेहनत लगा, लेकिन फाइनली जाके कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जाएंगे राइड पर साइकिल से, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ब्रेक पूरा कंप्लीट हो चुका है, सामने पूरा ब्रेक लग चुका है। तो फ्रेंड पीछे का भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो चुका है ब्रेक, तो मज़ा आएगा चलाने में आज। तो चलिए तो फ्रेंड ब्रेक बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है, अभी मैं गिर जाता पूरा हेवी, लेकिन बच गया। तो ब्रेक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और अभी मैं पूरा हेवी गिरता लेकिन बच गया, क्योंकि एक्सपीरियंस है इसलिए। तो ना सर जा, ब्रेक आराम से अप्लाई करना, अभी नया नया ब्रेक है, ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। तो फ्रेंड्स अपनी साइकिल यहाँ पे है, और थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ गए हमारे लेट लतीफ, एक बार मारी इस पे भी पानी, तब जाके उठने वाला है। मॉडलिंग मार के कल आ रहा है। यहाँ पर की स्टोरी ये है कि हम लोगों का रात में प्लान हुआ था मॉर्निंग राइड पर जाने का, तो उसी के लिए हम लोग निकले हैं सुबह सुबह काफी ठंड में। चप्पल में ठंडा लग रहा था, पहले बाहर निकले। तुम कब से उठे हुए? तुम आज तुम लेट किया है बहुत। हम 5-15 से फोन उठ के फोन किया। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देख सकते हैं आज हम लोग तीन लोग हैं। नसत हाई कर दे थोड़ा, पीछे नसत है, तारीफ है। क्योंकि कल शाम को हम लोग साइकिल लेके निकले थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो हम लोग ने प्लान किया कि क्यों ना सुबह भी निकला जाए। तो हम लोग सुबह में निकले हैं घूमने के लिए आज, तो बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। ए
तो फ्रेंड्स आज उठे थे हम लोग 6 बजे और 6 बजे 6:15 बजे घर से निकले हैं आज, और बहुत मज़ा आया, तारीफ मज़ा आया तो मज़ा आया। और ये अब जाएगा काम पे, और वो जाएगा भी खेत में काम करने। खेत में जाएगा ये, खेत में काम करता है। पूछते ओ मागो टुरला, चमका देते हैं जी। हम भी हाथ छोड़ के चला सकते हैं भाई, कहाँ सोच रहे थे लोग। हाथ छोड़ के कैसे देख, बम्पर पार कर देते को मान जाएगा, बम्पर पार कर दे, करते बम्पर के लिए पार कर दे, हो गया पार। अब कैसे पकड़ तो लिया। ओ माय गॉड, चल चले भाई मिलेंगे, फोन करेंगे 9 बजे। तो फ्रेंड्स मेरी भांजी उठ गई है सो करके, और कुछ बोलो हिबा। बहुत ठंडा बाहर में, बाहर में बहुत ठंडा है। ट्यूशन नहीं जाएगी? ट्यूशन जाएंगे। कब? अभी अभी। होमवर्क बना ली? सुबह में भी। सुबह में बना लिया है। कुछ खाई? नहीं। क्यों क्यों नहीं खाई? अभी दवाई खाई है। अभी दवाई खाई। अच्छा लो कुछ बोलना है। क्या बोलना? गुड मॉर्निंग बोल दे एक बार हाथी लाके ऐसे ऐसे। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टीवीएस शोरूम। तो फ्रेंड्स यहां पर की स्टोरी ये है कि हम लोग आए हैं टीवीएस शोरूम एक बाइक परचेस करने के लिए, और आज मेरा दिन कुछ अजीब ही चल रहा है। तो दुर्गापुर से हो? ना हम चितरंजन से। चितरंजन से हो? तो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम कहाँ देखे थे? वही पर, मतलब वो जो ये स्टंटिंग वाला। अच्छा वो वीडियो से है? और पहचाने कैसे मेरे को ये? अच्छा उसे पहचान लिया। चल भाई थैंक यू, अच्छा लगा पहली बार किसी सब्सक्राइबर से ऐसे मिल रहे हैं तो अच्छा लगा। कौन सेल्फी? हेलमेट उतार ले। हाँ बार बार बाइक जा रहा हूँ, बाइक के साथ एक फोटो किसे दीजिएगा। हाँ 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 लो कर दीजिए। बैठे बस आप ही लोग से तो सब कुछ है, खिंचवाओ बढ़िया से खिंचवाओ। हाँ फोन से खींच के तुमको दे दे रहा हूँ भैया। तुम बस अंकल का ड्रीम बाइक यही है, ठीक है, इसके लिए बहुत जिद मचाए हुए थे कि यही गाड़ी चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स वेलकम टू मोटर ब्लॉग ऑन टीवीएस हेवी ड्यूटी, और अंकल अब यहाँ से चलाक लेके जाएंगे। बस टेस्ट राइड ले रहा था इसका कि कैसी चल रही है, और सच में खतरनाक लग रहा है। लेकिन तो यही अंकल जिद किए हुए थे, पूरा जिद मचाए हुए थे गाड़ी लेने के लिए। यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं ऑटो मार्केट, क्योंकि दोनों बाइकें में कुछ स्टिकर का काम करवाना है, इसलिए ऑटो मार्केट जा रहे हैं हम लोग। और ये बाइक अकेले चलाने में ही मजा अलग है। अभी अंकल उड़ जाते हैं, अभी उड़ जाते हैं, रोड एकदम देखते नहीं है एकदम। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने स्टिकर काम करवा लिया है, और आपको स्क्रीन पे दिखता होगा यहाँ पे मैंने लिखवाया है यूट्यूब इमरान आज़म। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए मिठाई दुकान, और मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़। और मैंने एक जगह और लिखवाया है, वो है यहाँ पे, यहाँ पे लिखवाया है मैंने, तो ये भी सही लग रहा है। हाँ वो वाला बाइक मेरा है, ब्लू वाला, इमरान आज़म, इमरान। देखो उधर उधर जाओगी ना तो उधर बाइक पे लिखा हुआ है, गिरना नहीं। पापा की स्कूटी है? अच्छा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, याद रहेगा तो देखना ज़रूर, ये तुम आओगी वीडियो पे। तो फ्रेंड्स अंकल की तरफ से मिठाई, कौन सा ले? तुम लोग दोनों वही खाओ। 1150।
तो फ्रेंड ड्यूक वाला पंगा ले रहा था मेरे से, और आप जानते होंगे आपके भाई राइडर है, तो कोई पंगा लेता है तो मैं अच्छे से फिर दिखा देता हूँ कि इस बाइक की क्या औकात है और ये बाइक कितनी भाग सकती है। तो अच्छे अच्छे को शांत करा के बैठाया हुआ हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, ये फुद्दू वाली हरकत लगती है मेरे को। लेकिन शायद ही करता हूँ जो ज़्यादा परेशान करते हैं उसी के साथ करता हूँ मैं ज़्यादा, तो नहीं करता हूँ मैं किसी के साथ। और मेरे फ्रेंड अभी पीछे हैं तो उनको आने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आगे जाके मैं उनका वेट कर लूँगा। और आ ही गया ये, मेरे फ्रेंड चला रहा है, उनके पापा पीछे बैठे हुए हैं। और काफ़ी वक्त लग गया हम लोग को सारा प्रोसेस में, फाइनेंस करवा करके बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। हम लोग 11:30 बजे आए थे यहाँ और अभी लगता है कि 3 बज रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया, सच में काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, अंकल खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं और अच्छा लगा हम लोगों को। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।